मैं तेरा तो मेरा मोहन, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा मोहन, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जीवन की बात को लेकर, जीवन को बनाने के प्रेरणाओं को लेकर आओ एक बार फिर से कुछ और आगे बढ़ें, कुछ और विचार करें। जीवन महत्वपूर्ण है, ये बात बार बार कही जा रही है। मिला है भगवान की कृपा, मिलकर बिछुड़ना है प्रकृति का नियम। लेकिन इससे पहले कि जीवन की यात्रा बाह्य रूप में, शारीरिक रूप में आगे अपने अवसान की ओर बढ़े, इस जीवन को बना ले। सच में मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं ही है। मैन हिमसेल्फ इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज लाइफ। हम अच्छे मकान बनाए वो भी अच्छा है, अच्छा सामान बनाए वो भी अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा जीवन बनाए ये भी बहुत ज़रूरी है। इस बात को भी हम समझें, जीवन भी अच्छा बनाएं। और इस रूप में जो सूत्र, जो कुछ प्रेरणाएं दी जा रही हैं, वो वास्तव में जीवन को जीवन बनाने के लिए है। विचार हो रहा था अहंकार को छोड़ें, प्यार में रहें, प्रेम जीवन का आनंद है, ये स्पष्ट किया गया। प्रेम पारिवारिक जीवन की सद्भावना है और हर रूप में प्रेम आवश्यक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, ये जो हमारी इगोइस्टिक फीलिंग्स होती हैं, मैं की प्रॉब्लम, अहम की समस्या जीवन में जब बहुत बढ़ती है, तो वहाँ एक कठिनाई और साथ में आ मिलती है, उसका नाम है क्रोध। भयंकर शत्रु है जीव का ये क्रोध, टू बी एंग्री, इरिटेट होना, हाइपर होना, एकदम आवेश में आ जाना, एकदम उतावलापन, अधीरता, ये ऐसी समस्याएं हैं जीवन की जो हमारे जीवन को बनने नहीं देती, जो हमारे जीवन को बिगाड़ की ओर ले जाती है। कई बार लगता है कि अहम और क्रोध के साथ मैं अपने आप को बहुत बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन नहीं, हम जितने अहंकार में होते हैं उतने हम बौने हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। जितने हम क्रोध की भावनाओं में रहते हैं उतने हम संकीर्ण हो जाते हैं, अपने आप में सिमट कर रह जाते हैं। क्रोध का कहीं कोई सम्मान नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है क्रोध का। क्रोध अपने मन को जलाता है, दूसरे पर उसका प्रभाव पड़े ना पड़े निश्चित नहीं, और पड़ेगा भी कुछ तो बाद में, लेकिन
अपने मन पर तो उसी समय दुष्प्रभाव पड़ेगा जब आप क्रोध भीतर ही भीतर क्रोध की अग्नि को जलाओगे। दिया सलाई किसी और को जलाने निकलती है, बाद में जलाती है पहले अपने को। और ऐसा भी होता है, आप जानते हैं, कई बार आपसे ऐसा हुआ भी होगा कि दिया सलाई से जब आप कुछ ज्योत भी प्रज्वलित करने लगे, हवा का झोंका आया, दिया सलाई बुझ गई, ज्योत नहीं आप जला पाए, लेकिन दिया सलाई तो जली ना। ऐसा भी होता है कई बार, क्रोध जब किसी पर किया जाता है, उसके अच्छे भाव की वायु उस तक उस क्रोध का प्रभाव नहीं पहुंचने देती, लेकिन अपना मन तो जलने लगा ना। क्रोध अपना ही शत्रु है, क्रोध भीतर की शांति का हरण करता है, क्रोध भीतर की ऊर्जा को दग्ध करता है, क्रोध भीतर ही भीतर जो एक स्वाभाविक हमारे भीतर एक संभावना होती है मनुष्यत्व की, देवत्व की, उसको समाप्त कर देता है। क्रोध जो है, पहले भी कहा, सबसे बड़ा दुश्मन है जीवन का, इसे पास नहीं आने दो। शांत मन, शीतल स्वभाव, इसे आदर्श बना करके जियो। खुला जीवन, खिला जीवन। क्रोध कई बार मित्र को भी शत्रु बना देता है, और यदि आपके पास प्रेम की पूंजी है तो आप शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। हमारे महापुरुषों के जीवन में ऐसा रहा है, ऐसी दिव्यताएं रही हैं। चैतन्य महाप्रभु के साथ कई बार ऐसा हुआ, और भी महापुरुषों के साथ उन्हें कुछ ऐसा अनर्गल कहा गया, कुछ विरोध किए गए। एक व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के पास आया, उसका बेटा संयोग से महाप्रभु के साथ कीर्तन करते हुए कहीं निकल गया। जब उस व्यक्ति ने देखा कि जवान बेटा और कीर्तन कर रहा है, आवेश में उसने एक डंडा उठाया और भागा चैतन्य महाप्रभु पर प्रहार करने के लिए। जैसे ही क्रोध में बोला, अरे पागल सन्यासी, मेरे बेटे को अपने जैसा बनाएगा, चैतन्य महाप्रभु हंस पड़े और कहने लगे, भैया तू मार लेना, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार अपनी वाणी से कृष्ण नाम बोल, हरि बोल। और जैसे ही जिस प्रेम से, जिस भाव से महाप्रभु ने कहा, उस व्यक्ति का क्रोध उसी क्षण मेल्टेड, पिघल गया, शांत, और वो व्यक्ति चरणों में गिर पड़ा। प्रेम से क्रोध को जीता जा सकता है, लेकिन क्रोध से न अपना हित, न दूसरे का हित, और ना ही किसी भी प्रकार से वातावरण को हम अच्छा बनने देंगे, घर के परिवार के। वातावरण बिगड़ता है क्रोध से, भजन में मन नहीं लगेगा यदि क्रोध की वृत्ति है तो। शारीरिक स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से आज मेडिकल साइंस भी कहती है, बुरा प्रभाव क्रोध डालता है। पारिवारिक वातावरण में दुर्भावनाएं क्रोध लाता है। सोचो क्रोध क्यों, शांत मन, शीतल स्वभाव, इसे जीवन का आदर्श बनाओ। और यदि ये आदर्श बन गया तो आपका जीवन बन जाएगा, जीवन एक अच्छे सरमार की ओर आगे चल पड़ेगा। अहम नहीं, क्रोध नहीं। और साथ ही साथ एक बात और भी, अहंकार और क्रोध के साथ साथ ये मैं के साथ मेरापन, इसको भी थोड़ा सा समझ लें। ये जो संसार का विस्तार है, परिवार है, व्यापार है, व्यवहार है, ये सब अच्छा है,
बुराई कहीं नहीं, लेकिन इसे उसकी कृपा का प्रसाद माने। ये दिन भर के जीवन में ऐसा भाव बना करके जिए, इसे उसकी कृपा का प्रसाद माने, ये सब तेरा दिया हुआ है। और विचार करें, सच्चाई क्या यही नहीं है कि सब उसका है, उसका दिया हुआ है। एक क्षण के लिए इस पर सोचें, विचारें कि जब आए थे क्या था पास, और कभी अपने सामने लाए, वैचारिक भावों में वो दृश्य कि जन्मता शिशु और उसके बाद उसके आगे की अवस्थाएं, क्या था पास, कुछ भी तो नहीं, न तो देखने की शक्ति, न बोलने की, न चलने की, न कुछ करने की। धीरे धीरे ये सब मिला है, यही मिला है। सोचो किसके द्वारा मिला है। एक बात और भी है, यही मिला है, यही के लिए मिला है। लाए नहीं थे, ले जाएंगे भी तो नहीं। जिसने दिया है उसका मान करके उपयोग करें। मेरा नहीं, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, बिल्कुल खुले हाथ करके स्वीकारो। जीवन में आनंद आएगा, भरपूर आनंद, जब ये मान कर जिएंगे, सब कुछ जो भी मेरे पास है वो सब तेरा दिया हुआ है मेरे नाथ। इस सच्चाई को स्वीकार करके जिए। मकान आपका आपसे छूटेगा नहीं, आपके पास है, बस केवल दृष्टि बदलेगी, केवल दृष्टि। सामान जो घर में है वो आपके पास है, दृष्टि बदल जाएगी। परिवार आपका आपके पास है, भगवान कृपा बनाए रखें, सब अच्छा रहे, लेकिन दृष्टि बदल जाएगी कि सब तेरा दिया हुआ है, तेरी कृपा का प्रसाद है, तेरी कृपा का प्रसाद। और वास्तव में केवल ये उपदेश नहीं, इसे आप उपदेश ना माने, इसे आप केवल प्रवचन भी ना माने, इसे आप केवल मात्र ये भी ना माने कि कहने के लिए कुछ कहा जा रहा है। इसे जीवन की सच्चाई के रूप में आप स्वीकार करके देखें और ऐसा भाव बना करके देखें कि क्या परिवर्तन आता है जीवन में। ये जो भी बातें कही जा रही हैं, ये जीवन के परिवर्तन की दृष्टि से कही जा रही है कि जीवन अच्छे ढंग से जी सकें हम, अपना ही जीवन अपने लिए बंधन न बने, अपना ही जीवन अपने लिए भार न बने, अपना ही जीवन अपने लिए समस्या न बने, अपना ही जीवन अपने लिए अशांति, टेंशन, डिप्रेशन का माध्यम न बने। इस जीवन का आनंद लें, और उसी के लिए ये भाव है, मेरा नहीं सब कुछ तेरा। और अगर मेरा मानना भी है तो आओ एक आपको एक महापुरुष के भावों की ओर ले चलें, यहीं बैठे बैठे उस महापुरुष के भाव के साथ भाव मिलाते हुए हम देखें कि मेरा क्या है, मेरेपन का संबंध कहाँ जोड़ा जा सकता है। संत दादू दयाल, एक बात और कहें कि हमारी जो संत परंपरा है उनके भावों के साथ आप जिएंगे, उनके भावों को थोड़ा थोड़ा समझते रहेंगे, घर में उसे चर्चा करते रहेंगे, तो उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। संत दादू दयाल एक बार भाव में बैठे थे, एक अंदर की विलक्षण स्टेज, ट्रांसेंडेंटल स्टेज कहो, भावातीत अवस्था कहो,
वहां थे दादू, और भावातीत अवस्था में संत दादू दयाल को ऐसा लगा कि जैसे भगवान उनके पास हैं, उनके सामने हैं। और दादू बोल उठे, तन तेरा, मन तेरा, तेरा पिंड प्राण, और आगे कहा सब तेरा। अंदर की फीलिंग स्वाभाविक इस भाव के रूप में प्रकट हो रही थी, सब तेरा। और प्रेम में ये होता है, जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ समर्पण साथ ही है, वहाँ अहम नहीं, और जहाँ अहम नहीं प्रेम है वहीं तो समर्पण है क्या? अहंकार का विसर्जन यही समर्पण है। दादू दयाल की वाणी से जब निकला तन तेरा, मन तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब तेरा, बस तू मेरा, यह दादू का ज्ञान, सब तेरा तू मेरा। जो उसका है वो उसके अर्पण, जो अपना है वो अपने पास, सब कुछ उसका, लेकिन उसके बदले तू मेरा। भगवान को अपना बनाओ, जो भगवान का दिया हुआ है उसे भगवान का मान करके उपयोग में लाओ। उपयोग भी होता रहेगा, व्यवहार भी होता रहेगा, और बंधन से बचाव भी बना रहेगा। बंधन नहीं होगा वहाँ जीवन में, वहाँ सहजता होगी, विनम्रता होगी, शांति होगी, कोमलता होगी, सद्भावना होगी, और होगा उसकी कृपा का आनंद। और जब ये भाव होगा तो वहाँ इस भाव को लेकर के जब आप कुछ क्षण मौन होंगे, और मौन भावों में इस मैं और मेरे से रहित, इस तू और तेरे के भाव में आएंगे, सब कुछ तेरा, और फिर सब कुछ तू ही तू, तू ही तू। और इस मौन भाव में जो मेडिटेशन की शुरुआत होगी, वहाँ आपको अद्भुत आनंद अनुभव होगा। देखें, बैठें और इस भाव को व्यवहारिक जीवन की प्रेरणा के रूप में स्वीकार करें। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। कुछ क्षणों के लिए भीतर की भावना जगाएं, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ तेरा, सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी तेरे नाम पर, जिद देखूं तितों, जिद देखूं तितों, जित देखूं तितों, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, उधर तू ही तू है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने एक ओर जहाँ पूरे देश में सत्संग, सेवा, सुमिरन, सद्भाव को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है, वहीं दूसरी ओर अपने व्यस्त कार्यक्रमों में रहते हुए भी श्री कृष्ण कृपा साहित्य का सृजन भी किया है। साहित्य के इस संसार में है सत्य की अनुभूति, चिंतन सनातन धर्म की परंपराओं का, गीता प्रेरणा युवाओं के जीवन के उत्थान के लिए। इसमें निहित है एक ऐसी व्याख्या जो श्रीमद् भगवद् गीता को वर्तमान परिस्थितियों में सरलता और सुगमता से समझा सकती है। गीता प्रेरणा और श्री कृष्ण कृपा साहित्य पूज्य श्री स्वामी जी के
प्रवचन एवं भजन की डीवीडी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। श्री कृष्ण कृपा धाम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा,